हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। श्री प्रिया कांत जू भगवान की उन्नाव में भी अब बांके बिहारी विराजेंगे। उन्नाव में भी अब बांके बिहारी लाल की जयकार हर दिन गूंजेगी। उन्नाव में भी अब सजेगा बांके बिहारी का भव्य दरबार। जी हाँ, अब बहुत जल्द ही उन्नाव में भी बांके बिहारी कृष्ण कन्हैया का भव्य मंदिर स्थापित होगा। इसकी शुरुआत शुक्रवार सुबह हो चुकी। वृंदावन के बाद उन्नाव में भी भगवान कृष्ण कन्हैया का भव्य प्रियकांजू मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। इस भूमि पूजन में विश्व प्रसिद्ध कथावाचक ठाकुर देवकी नंदन महाराज ने पूजा कराई। वहीं उनके साथ सदर विधायक पंकज गुप्ता और उनकी पत्नी इस भूमि पूजन में शामिल हुई। मंदिर निर्माण बेहद भव्य और विशाल हो, इसके लिए उन्नाव सदर विधायक पंकज गुप्ता ने करीब 8 बीघे जमीन मंदिर निर्माण के लिए दान दिए। भूमि पूजन के दौरान भारी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। इस दौरान ठाकुर देवकी नंदन महाराज ने कहा, जल्द ही मंदिर का नक्शा और अन्य कागजी कार्रवाई पूरी कर ली जाएंगी। इसके बाद 1 या 2 महीने के बाद फिर से भूमि पूजन किया जाएगा और उसी के साथ मंदिर निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। महाराज जी ने कहा, जहां साल 2024 में अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, वहीं वो पूरी कोशिश करेंगे और उन्नाव के लोगों को अगर उन्हें सहयोग मिला तो भव्य प्रियकांजू मंदिर का निर्माण भी उसी साल पूरा कर लिया जाएगा। यानी कि अब से 2 साल बाद उन्नाव में भी बांके बिहारी के आपको दिव्य दर्शन करने को मिलेंगे। यहाँ पर एक भव्य मंदिर निर्माण हो और मंदिर के साथ साथ हमारे युवाओं को संस्कृति का प्रचार, जिस तरीके से युवाओं के लिए बहुत परम आवश्यक है संस्कृति सनातन, तो सनातन की जो प्रचार प्रसार है वो मंदिरों से होगा और वो संस्कार जो है वो हमें देने ही है। तो इसलिए यहाँ पर एक बहुत भव्य, जैसे 24 में राम मंदिर का निर्माण होगा तो हम चाहेंगे कि मंदिरों से ही सनातन का प्रचार होता है, तो यहाँ बहुत जल्दी एक भव्य मंदिर का निर्माण उन्नाव में हो, प्रियकांजू के मंदिर का ऐसा मंदिर का निर्माण हो जहाँ से एक बहुत बड़ी सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार हो सके। वैसे भी आज आप लोग बहुत बड़ी संख्या में आए हैं, तो हम तो एक और प्रार्थना करना चाहेंगे सरकार से कि एक सनातन बोर्ड की गठन होना चाहिए। सनातन बोर्ड, तमाम बोर्ड हैं हमारे भारत में, लेकिन सनातन बोर्ड ऐसा होना चाहिए जो हमारे बच्चों को चरित्रवान बनाए, जिसमें हम लोग रामायण का पाठ अपने बच्चों को पढ़ा सकें, जिसमें हम लोग अपने गीता का ज्ञान देकर अपने बच्चों को उनको अपने माता पिता का वफादार बना सके। जैसे वो बड़े होकर अपने माता पिता को कैसे सम्मान देना चाहिए, उनकी भावनाओं का क्या कदर करना चाहिए, समाज में किस तरीके से जीवन जीना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग अपने सनातन परंपराओं के माध्यम से, रामायण के माध्यम से, गीता के माध्यम से, भागवत के माध्यम से जान सकते हैं। इसलिए इन सब चीजों को अगर हमें हमारे समाज को सुंदर और अच्छा और भव्य बनाना है तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम उस समाज को, उन बच्चों को, आने वाली जनरेशन को हम लोग रामायण का ज्ञान करा सकें, गीता का बोध करा सकें और भागवत से प्रेम करा सकें, जिसके कारण वो अपने घर की परंपराओं को समझे, संस्कृति को समझे और आगे बढ़े, जिसके कारण उनके तमाम टुकड़े न हों।